नमस्कार, मैं निशु चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एक योग न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसएफ यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई, जो कि पोल्ट्री में आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। आखिर क्या है ब्लैक सोल्जर फ्लाई? आज हम जुड़ेंगे अमरनाथ जी से, जो कि है बिहार से, और अमरनाथ जी से जुड़कर हम जानेंगे ब्लैक सोल्जर फ्लाई क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अमरनाथ जी आपका एक योग न्यूज पर। जी आपका भी स्वागत है धनलक्ष्मी एग्रो फार्म में। हाँ जी, तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे जितने किसान भाई, जितने लोग एग्रो न्यूज को देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दें, विस्तार से अपना परिचय दें। जी मेरा नाम अमरनाथ प्रसाद है, मैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ, जो सिवान और गोपालगंज के दोनों के बीच में पड़ता है। और ये बहुत ही फायदे की चीज है। ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक्चुअली सोयाबीन की बढ़ती हुई रेट को कम करने का एक बहुत ही आसान साधन है। अगर कोई भी आदमी पोल्ट्री फार्मर, फिश फार्मर, पिग फार्मर, यानी जितने भी किसान है जो पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको प्रोटीन को रिप्लेस करने के लिए ये है। प्रोटीन जो हमारे पास सोयाबीन जो है, सोयाबीन के रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान भाइयों को क्या हो रहा है, पोल्ट्री में घटा हो रही है। अगर कोई भी आदमी यदि बीएसएफ प्रोजेक्ट को अगर कर लेता है, तो उनको क्या होगा, 40-50% फीड कॉस्ट कम हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जब लॉकडाउन आया तो मैं भी बेरोजगार हो गया था, मैं सोचने लगा क्या करूं। फिर उसके बाद से मैंने सर्च करने लगा क्या करूं, तो मुझे पोल्ट्री लाइन दिखाई दिया। तो पोल्ट्री लाइन में जब देखने लगा तो मुझे लगा 80% तो फीड कॉस्ट पे ही पैसा खर्च हो जाती है। तो मैंने फिर रिसर्च करने लगा किस तरह से पोल्ट्री फीड कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। तो संदर्भ में मुझे बीएसएफ लार्वा के बारे में पता चला, मैंने उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने से ये पता, रिसर्च से हमको जानकारी मिला कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई है वो प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोटीन है, खाने के बाद बहुत जल्दी हजम करती है इसको पक्षी। तो इसमें सबसे बड़ा चीज है कि प्रोटीन का मात्रा इसमें आपको 40-52% के आसपास इसमें प्रोटीन है। इसमें फैट्स है, मिनरल्स है, चिंटा है, कैल्शियम है, बहुत प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें। लगभग 72% के आसपास इसमें सभी मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं इसमें। तो ये तो चल रहा है हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इससे हमारे किसान भाई भी इससे जुड़े और इसके लाभ लें। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाता है तो वो फीड कॉस्ट में 40-50% बचत हो जाएगी। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब बीएसएफ की फार्मिंग, तो आपने चलो लॉकडाउन के बाद शुरू करी, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ था। लॉकडाउन आया, सारे बिजनेस खत्म हो गई। मैंने सोचने लगा कि क्या करें। उसके बाद में मैंने ये पोल्ट्री लाइन में मैं जुड़ गया। तो सर कैसे आपका इंटरेस्ट कैसे आया कि पोल्ट्री लाइन में जुड़ना है? देखिए पोल्ट्री लाइन एक ऐसा चीज है, ये आसान चीज है जिसमें आप करके दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। शुरू से ही ये नेचर रहा है कि दूसरों की भी भलाई करना और लोगों के साथ में समाज में जुड़ के आगे बढ़ना। अभी तक तो जब से मैं कर रहा हूँ, हमारे साथ में 20-25 आदमी जुड़ के इस व्यवसाय से लाभ कमा रहे हैं। हमारे पास आए, उनको सिखाए, उसके बाद से वो अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो ये व्यवसाय बहुत ही बढ़िया है जी। मैं तो सर जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने बायोलॉजी में अपनी पढ़ाई करी है, जी जी, तो जब बीएसएफ के बारे में आपने अपनी रिसर्च से पता किया और पता लगा कि इतना इसमें प्रोटीन सोर्स है, जी जी, ठीक है, तो बीएसएफ जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है वो मिलती कहाँ से है? देखिए एक्चुअली ये जो बीएसएफ
फ्लाई है ये हमारे इंडिया की नहीं है, ये यूरोपीय कंट्रियों की है, ये अफ्रीकन फ्लाई है ये, और हमारे यहाँ ये होती नहीं। हम लोग के यहाँ जो होती है वो हाउस फ्लाई होती है, जो हाउस फ्लाई है वो हार्मफुल होती है। उसका नेचर है कि गंदे पे बैठती है और गंदे पे आके फिर हम लोगों को क्या करती है, हार्मफुल करती है। लेकिन ये जो BSF है ये हार्मफुल नहीं है, इनका कल्चर है एकदम अंदर ही होता है। यानी मान लीजिए एक रूम के अंदर आप शुरू करेंगे, उसका जन्म होगा वहीं पे, वो बड़ी होगी वहीं से, लार्वा से पीपा सारी चीज बन के सब कुछ करके वो एंड हो जाती है एक रूम के अंदर में। तो ये हार्मफुल नहीं है, ये यूजफुल मक्खी है ये। और हमारे हाउस फ्लाई से इसका वजन भी ज्यादा होता है, बड़ी भी होती है, लगभग 1 इंच के आसपास ही होती है ये। तो सर आप भी इसे बाहर से मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं? जी, शुरुआत में कोई भी आदमी जब शुरू करेगा तो इसको बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि अभी के डेट में साउथ में है, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, इधर तो थोड़ा बहुत प्रचलित हो गया है, उधर थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में भी थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है। लेकिन बाकी ये सारे चीजें इधर ये सब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ के किसानों को इसके प्रति थोड़ी सी जागरूकता की बहुत ही कमी है। लेकिन साउथ में तो हो रहा है ये, साउथ में तो मैंने जो पहले शुरुआत किया तो ये साउथ से ही मंगाया था। ओके, ब्लैक सोल्जर फ्लाई आप साउथ से लेकर आ गए, ठीक है। तो इसको क्या प्रोसीजर इसे पालने का और क्या इसका लाइफ साइकिल है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए एक्चुअली मैं साउथ से एग मंगाया था और शुरुआत से मैं बता रहा हूँ इसके लाइफ साइकिल के बारे में। इसका लाइफ साइकिल लगभग 40 से 45 डे के गर्मी के दिनों में होती है। सर्दी में क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल 8 से 10 दिन बढ़ जाता है इसका। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एग लिया, एग लेने के बाद उसको हैचिंग पे डालते हैं, जैसे प्री स्टार्टर हो गया, मकई का आटा हो गया, कोई भी चीज हो, या फ्रूट्स का पेस्ट हो गया, उसको क्या करते हैं कि रख के उस पर जाली रख के हैचिंग के लिए अंडा को रख देते हैं। रखने के बाद 5 डे या 6 डे में क्या हैच हो जाता है। ओके, हैच होने के बाद उससे हमको लार्वा मिलता है। लार्वा जब हो जाता है तो हमारे जितने भी आज के दौर में शहरों की सबसे बड़ी समस्या है ऑर्गेनिक वेस्ट, जो क्या होता है शहर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह की जो होता है, उस वही चीज खाकर, यानी प्लास्टिक लोहा इसको छोड़ के बाकी सभी चीजें ये खाती है। यानी आप जैसे जूस पीते हैं तो जूस के छिलके हो गए, उसके बाद से सब्जी मंडी में मान लीजिए बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, जो भी है, जो आपको वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, चिकन वेस्ट हो गया, मछली वेस्ट हो गया, इन्हीं सारे चीजों में जो हमारे लिए वेस्ट है ये इनके लिए फूड है। उन्हीं सारी चीजों को खा के ये तैयार हो जाती है। तो 5 दिन तक हम हैचिंग कराते हैं, हैचिंग कराने के बाद हमको लार्वा मिलता है, उसके बाद हम ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है शहर से कलेक्ट कर लेते हैं, घर का, होटल का वेस्ट, कोई भी वेस्ट वगैरह हो, तो उसको क्या करते हैं, उस पर हम लार्वा को डाल देते हैं। धीरे धीरे लार्वा 15 दिनों तक वो खाना खाता है, 15 दिन और 5 दिन हैचिंग का, 20-22 दिन के अंदर में वो हमको उसका एक स्टेज बढ़ के वो प्री प्यूपा स्टेज में पहुंच जाता है। जब प्री प्यूपा स्टेज में जाता है तो वहां से वो खाना पीना छोड़ देता है और धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का होने लगा, बिस्कुट कलर की वो होने लगता है और खाना से दूर भागता है। उसको क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट करके उसको रख लेते हैं। उसको क्या करेंगे, 14 दिनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्रेट में रख के, कोई भी चीज में रख के उसको अंधेरे जगह में रख देते हैं। 14 दिन अंधेरे में रहने के बाद उसका लाइफ साइकिल बदल के हो जाता है प्यूपा में, वो प्यूपा में कन्वर्ट कर जाता है। जो प्यूपा में जब वो कन्वर्ट करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लव केज बनाते हैं, जो मक्खियों का जो एक घर होता है उसके लिए हम एक लव केज बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं उस प्यूपा को ले जाकर रख देते हैं, जहां से फ्लाई क्या होती है कि प्यूपा से टूट के वो फ्लाई बनना शुरू कर देती है। और फ्लाई जब बनना शुरू करती है तो फ्लाई बनने के दौरान में मक्खी कुछ भी नहीं खाती, केवल पानी पीती है। वो भी डायरेक्ट रूप से हम पानी उसको नहीं देते हैं, उसको रुई हो गया या फोम हो गया उसमें पानी रख देते हैं, वो सूंड से क्या करती है, वो पानी को खींचती है। तो फ्लाई का जो
टाइम है वो 7 से 10 डे का होता है। 7 से 10 डे में क्या करती है, फ्लाई एक देती है और एक देने के बाद उसका डेथ हो जाता है। तो सर जो आप जैसा बता रहे हैं कि उसका फ्लाई का जो डेथ हो जाता है, ठीक है, तो क्या ये फ्लाई जो है इसका डेथ होने के बाद ये भी यूज में आती है कि ये वेस्ट हो जाती है? तो इसका सभी चीज इसका यूजफुल है। पहले तो इसका जो फ्लाई मान लीजिए डेथ कर गया, उसको भी हम क्या करते हैं, चिड़िया को डायरेक्ट देते हैं। उसके बाद प्यूपा का जो सेल टूट के बनता है वो भी खा लेती है, हमारी मुर्गियां खा लेती है। उसके बाद से ये हमको जो हम हार्वेस्ट जब इसको करते हैं, जब हम जब फ्रूट्स वगैरह जो भी डालते हैं, हम ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी डालते हैं, तो प्यूपा से हमको कंपोज मिलता है एक, ओके, जिससे हम ऑर्गेनिक खेती में हम बढ़ावा देते हैं। उससे उसमें भी भारी हाई क्वालिटी का उससे हमको ऑर्गेनिक कंपोज मिलता है। इसका कोई भी चीज नहीं है जो यूजफुल नहीं है, ये किसान के लिए सभी चीज इसका यूजफुल है। ओके, मतलब इसकी लाइफ से लेके इसकी डेथ तक का हर एक चीज ये किसान के लिए या फिर जो पोल्ट्री बर्ड्स है उनके लिए बहुत यूजफुल है। जी जी। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी को इसकी फार्मिंग करनी है, जी, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है उसका? फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले कोई भी आदमी यदि फार्मिंग करे तो सबसे पहले इसका नॉलेज लेना जरूरी है। वो नॉलेज ले ले, कहीं से भी ले सकते हैं, वो यूट्यूब भी के कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो हमारे पास भी आके नॉलेज ले सकते हैं, या और भी करा साउथ में भी लोग इसका ट्रेनिंग कराते हैं, कहीं से इसका जानकारी पहले उपलब्ध कर ले, जानकारी होने के बाद से उनको एग ले ले या प्यूपा लेके इसका शुरुआत कर सकते हैं। ओके, और हाँ। मैं एक छोटा सा चीज मैं समझाना चाहता हूँ किसान बंधुओं को। हाँ जी, एक छोटा सा किसान कितना रुपया कमा सकता है इसको अगर छोटा व्यवसाय करे तो? बताइए सर। मान लीजिए कोई आदमी 1000 बॉयलर डाल रहा है, देसी हो या बॉयलर हो, तो हम उसमें कम से कम 3500 kg यदि हम फीड बनाते हैं तो उसमें 30 से 35% हम प्रोटीन को डालते हैं, सोयाबीन को डालते हैं। हाँ जी। मान लीजिए कि कोई आदमी 30 kg ही डालता है, तो आज के डेट में मान लीजिए कि अगर 50 रुपया का भी हम सोयाबीन का रेट रखे तो 1500 रुपया हुआ। 1000 बॉयलर को खिलाने के लिए कम से कम 100 ग्राम रेशियो के हिसाब से 1 क्विंटल फीड रोज लगता है। ओके, तो 1 क्विंटल फीड में हमको कम से कम 30 से 35 kg हम खिलाएंगे BSF को, जिसका रेट कम से कम एवरी डे 2000 हुआ। अच्छा, अब 2000 हुआ तो मान लीजिए महीने का कितना हुआ, 60,000। तो कोई अगर किसान यदि BSF को अपना लेता है, इसको कर लेता है, अगर मान लीजिए कि तो वो एक महीने के अंदर 60,000 रुपया तो केवल फीड में ही बचा सकता है। प्रॉफिट और लॉस का अलग बात है, वो मान लीजिए कि जितना में तैयार किया उतना में भी बेच देगा तो उसको 60,000 रुपया बच जाएगा। ये तो बहुत फायदेमंद है फिर। ये तो मैंने 30% में समझाया मैम, ये तो 40 से 45% 50% फिर इसमें यूज कर सकते हैं हम। आप डक में तो इसको 60 से 70% यूज कर सकते हैं, मछली में तो आप जो मुरैल मछली है, पंगास है, चीतन है, जो आपको मांगूर है, इसमें तो 60 से 70% आप यूज कर सकते हैं इसको। तो उसका रेट जोड़ लीजिए कितना हुआ। वो तो मैंने सिर्फ कहानी सुनाया कितना 30 से 35% का, मैंने कि 1 क्विंटल फीड में 30 से 35 kg से कम तो देते ही नहीं है, तो ये ज्यादा खाएंगे, देसी मुर्गी वगैरह होता है उसमें तो 40 से 50% हम दे सकते हैं, यानी 1 क्विंटल फीड खिला रहे हैं तो 40 से 50 kg हम इसको खिला सकते हैं, यानी आज 50 kg का बेग कोई भी लीजिए तो 2500 से कम का बेग नहीं है फीड का। तो अब मान लीजिए कि एवरी डे हमको 2500 रुपया बच रहा है तो महीने का कितना हुआ, तो मान ली 75,000 हो गया। तो मान घाटा नफा तो छोड़ दीजिए, जितना हम फीड से हम बचा लेते हैं इतना रुपया, ये वरदान, ये समझ जाइए BSF है, वरदान है ये। तो सर ये वरदान सिर्फ और सिर्फ साउथ और बिहार तक ही है, फिर और शहरों में भी है अभी? जो करेगा उसके लिए ना वरदान है मैम। अच्छा। देखिए हम लोग का तो हम तो खोले हुए हैं, मेरा स्वभाव ही मैं मदद करने के लिए खोला है, लेकिन साउथ में जो प्रोजेक्ट डाले हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाले, वो लोग तो अपने अंदर घूमने नहीं देते हैं, ठीक है ना, वो खुद बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाले हैं, उसका फीड बनाते हैं, उसका यूज करते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, नहीं बताते हैं वो। तो सर इसका जैसे केयर करना कितना ईजी है, कितना मुश्किल है, क्योंकि अब देखिए मक्खी है, मक्खी को संभालना बहुत मुश्किल होता है, और लार्वा निकल गया उसका फिर एक बार,
देखिए, ये कहीं बाहर नहीं जाता है। मक्खी के लिए क्या है, केज बनता है, ठीक है। जाली वाला केज बना दीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए, उसमें वो पड़ी रहती है, अंडा देती है, मर जाती है, उठाइए खिला दीजिए, कहीं भागता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, ठीक है। मक्खी का तो स्वभाव है उड़ने का, खुला में रखिएगा तो कहीं उड़ेगी, उसके लिए केज है, प्रॉपर सिस्टम है। इसी चीज के लिए बताया गया है कि आप जानकारी लीजिए, आप इसका ट्रेनिंग कहीं से भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ी रिफॉर्म है, समझ जाइए। कोई आदमी 50 से 60 हजार रुपया पर मंथ बजाता है, एक बेरोजगार आदमी, तो बड़ी बड़ी चीज है ना। तो इसमें 5-6 महीना लगता है पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होके सीख के इसको काम करे। ये देखिए, सफलता के लिए समय चाहिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती है, वो तो है। सफलता वक्त मांगता है किसी भी चीज को। मैंने भी इसको आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, वो तो ऐसे नहीं पहुंचा हूँ। मैं भी बहुत मेहनत किया हूँ, अपने हाथ से इसको खुद रिसर्च किया, अपने हाथ से मैंने इसका ऑर्गेनिक वेस्ट उठा के लिया है, कचरा होटलों से बिटोर के लाया, सारे इकट्ठा करके मैंने सीख के तब ये किया हुआ, यहाँ तक पहुंचा। कोई आदमी को बड़ा बनना है, किसी क्षेत्र में बड़ा बनना है, तो उसको पहले खुद जानना पड़ेगा। आज तो ऐसे समय आ गया कि अब मुझे करना नहीं पड़ता, अब तो हमारे आदमी काम करते हैं। तो शुरुआत देखिए, कोई चीज का कठिन होता है, शुरुआत में कठिन है, तो सीखना है, इस चीज को सीख लीजिएगा तो बहुत बड़ा, समझ जाइए कि ये हमारे बहुत बेरोजगार भाइयों के लिए रोजगार है, छोटा पूंजी में आप रोजगार कर सकते हैं। अच्छा, तो सर मेरे ना मन में एक क्वेश्चन था कि जैसे किसी भी मुर्गी को कुछ खिलाने से पहले लैब टेस्ट रिपोर्ट या फिर कुछ जरूरी होता है। जी जी, ठीक है। तो इसको बीएसएफ का जो लार्वा है उसको खिलाने का कोई लैब टेस्ट रिपोर्ट है? लैब टेस्ट आप रिपोर्ट करा सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे लिए नया है, आपके लिए, हमारे लिए, ठीक है ना। आप अमेरिका की जो टॉप क्लास की, जो अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, जो वहाँ की टॉप क्लास की जो फीड कंपनी है ना, वो लोग इसको यूज कर रहे हैं। अभी तो देखिए, हम लोग जी रहे हैं 2022 में, और विदेश की जो कंपनियां है वो जी रहे हैं 2050 में। एक सच्चाई जानिए क्या है, जो जो सोयाबीन जो होता है, जिस धरती पे सोयाबीन होता है, धीरे धीरे उसका जो प्रोडक्शन जो होगा, मान लीजिए आज से 20-30 साल के बाद क्या हो जाएगा, सोयाबीन जिस धरती पे होता है उसका उर्वरक क्षमता आधी हो जाएगी, और डिमांड है इसका हाई हो जाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, इसलिए विदेश की जो कंपनियां है, जो विदेशों में है, वो लोगों ने क्या किया, रिसर्च करके इसको निकाला हुआ है। वहाँ सारे ब्लैक सोल्जर फ्लाई पे काम कर रहे हैं, इसको तैयार करने में 5 से 10 रुपया लगता है केवल। जो सोयाबीन आज 100-100 रुपया मिलता है, अभी तो 60-70 रुपए केजी का है, इसको तैयार करने में 5 से 6 रुपए का खर्चे आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे दर्शकों को बीएसएफ के बारे में इतनी बढ़िया नॉलेज दी, इन्फॉर्मेशन दी कि क्या है बीएसएफ फ्लाई, और अगर उन्हें स्टार्ट करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर कर भी रहे तो क्या क्या चीजें केयर में रखनी चाहिए, उनकी किस हिसाब से उन्हें उसकी फार्मिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एग्योक न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और एग्योक न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को इतना अच्छा संदेश देने के लिए। आखिरी में सर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी दर्शक बंधु से कहूंगा कि आज के दौर में जितने भी पोल्ट्री पालक हैं, उनके पास खुद का इसका खिलाने के लिए मटेरियल पड़ा हुआ है, वो खुद इस व्यवसाय से जुड़े और इससे लाभ कमाए। जो मछली पालक है, पोल्ट्री पालक है, वो आपको क्या गोट फार्मिंग करते हैं, जितने भी फार्मिंग लाइव कर रहे हैं, सबको प्रोटीन की जरूरत है। विदेशों में तो इसका प्रोटीन निकाला जाता है, प्रोटीन निकाल के वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन बनती है। भाई, इतना बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5-7 रुपए केजी से ऊपर नहीं जाता है इसका। ये सभी लोग इससे जुड़े और इससे लाभ लें, आज नहीं तो कल इनको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल इस व्यवसाय से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो लाभ आप नहीं कमा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी दर्शक हैं, जितने भी पोल्ट्री फार्मर्स अपने फीड कॉस्ट को कम कर सके और ब्लैक सोल्जर फ्लाई से अपना पीएफसीआर भी बढ़ाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।